गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हम सभी बहुत ही अच्छे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ माय ग्रोसरी शॉपिंग प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, सब कुछ आज मैं शेयर करने वाली हूँ आज रिलेटेड शॉपिंग ऑफ ग्रोसरी। तो यहाँ पे मैं ग्रोसरी का प्लानिंग करने से पहले यहाँ पे मैं ग्रोसरी चेक कर रहा हूँ क्या क्या सामान मेरे पास है और क्या क्या ख़त्म हो गया है, और उसको मैं अच्छे से चेक कर रहा हूँ। तो ये वाला जो एक बॉकेट दिख रहा है आपको, तो वहाँ पे मैं सारा सामान ग्रोसरी का जो है वो रखती हूँ। तो उसको मैं निकाल के चेक कर रहा हूँ, और यहाँ पे चावल का बॉकेट है ये वाला, तो उसको भी मैं निकाल के चेक कर रहा हूँ चावल है कि नहीं। तो सारा सामान जहाँ पे मैं नीचे रखती हूँ यहाँ पे किचन में, तो वो सब मैं निकाल के चेक कर रही हूँ एक एक करके, ताकि मुझे पता कि कौन सा सामान मेरा ख़त्म हो गया है और कौन सा हमें लाना है। मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग एक गुड हैबिट होता है, क्योंकि आपका महीने भर का जितना भी राशन होता है वो आप एक बार में चेक कर लो, उसका एक लिस्ट बना लो और फिर शॉपिंग करके ले आओ। और आप महीने भर का जो भी झंझट रहता है किचन का, ग्रॉसरी का, वो आप एक बार में ही ख़त्म कर लो। यहाँ पे मैं अपना ग्रोसरी का चेक तो कर लिया हूँ, कौन सा सामान मेरा ख़त्म हो गया है, कौन सा लाना है, तो उसको मैं पेन पेपर में उसको लिख रहा हूँ, एक लिस्ट बना रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है लिस्ट बनाना, ताकि आपको खुद को पता चले कि आप क्या ख़त्म हो गया उसको आप लिस्ट में लिख रहे हो। जब भी आप शॉपिंग के लिए जाओ मार्केट में, तो आपको वहाँ पे याद करना नहीं पड़ेगा, आप अपनी लिस्ट चेक कर लो और उसी हिसाब से अपना शॉपिंग कर लो। तो इससे क्या होगा कि कोई भी सामान आपका छूटेगा नहीं, और टाइम पे ही आपको सारा सामान वहाँ पे मिल जाएगा, और आपको बजट का भी, ग्रॉसरी का जो बजट रहता है शॉपिंग का, वो भी आपका इधर उधर नहीं होगा, उसी के अंदर आपका सारा सामान जो है वो आ जाएगा। ये बहुत ईजी होता है गाइज। मेरे घर का जो भी शॉपिंग रहता है ग्रॉसरी का बजट, तो वो 2 से 2.5 से 3 हज़ार के बीच में ही रहता है, और उसी के बजट में ही हम लोग को शॉपिंग करके लेके आते हैं अपना घर का ग्रॉसरी, और हमारा एक महीने तक आराम से चल जाता है और कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो आज मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मेरी खुद की एक्सपीरियंस आज ए हाउस वाइफ। यहाँ पे मैं अपनी लिस्ट में राइस, दाल और सारे मसाले और टूथपेस्ट, टूथब्रश और सर्फ, डिटर्जेंट हो गया, डिश वॉश जेल हो गया, ऑयल हो गया, मिर्ची पाउडर, ओट्स और स्नैक्स, बिस्किट्स, अगरबत्ती, सब कुछ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो जितना भी घर का ग्रॉसरी होता है, और जितना भी बाथरूम आइटम हो गया, स्नैक्स वगैरह, मंचिंग का आइटम हो गया, सब कुछ यहाँ पे मैं लिस्ट कर लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे शॉपिंग करके लेके आए मेरी हस्बैंड, तो उसका कुछ हद क्लिप्स मैंने उनको बोला था लेने के लिए, बट उन्होंने नहीं ले पाए, तो उसके लिए सॉरी। तो शॉपिंग का जो पार्ट है वो मेरे पास नहीं है, बट सामान आ गया है शॉपिंग से। तो ये मेरा मंथली ग्रॉसरी का जितना भी सामान है वो आ गया है, तो उसको मैं अभी एक एक करके निकाल रहा हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहले देख लीजिए कितना सारा सामान जो है हमारा ग्रॉसरी का, जो मंथली ग्रॉसरी का आइटम है वो आ चुका है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को गाइज, ये जितना भी सामान है वो ये 3.5 से 3 हज़ार के बीच में ही है। मेरे पास बिल है, बट बिल मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो ग्रॉसरी है ये नावल कैंटीन से आया हुआ है, तो कैंटीन का सामान थोड़ा बाहर के सामान से थोड़ा कम होता है। तो 3 हज़ार के करीब ये हमारा सामान है, तो आप अगर बाहर से लोगे तो 3.5 से 4 हज़ार के बीच में आएगा आपका। पे मेरा सामान आ चुका है, तो मैं इसको ऑर्गेनाइज करके रखूँगी, कहाँ पे रखूँगी वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो शॉपिंग का प्लानिंग से ज़्यादा मतलब रेस्पॉन्सिबल वाला काम होता है उसको ऑर्गेनाइज करके रखना, उसको सही जगह पे रखना, ताकि आप जब भी कोई भी सामान आपको चाहिए तो आप उसको ढूंढ के आसानी से पा सको। तो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना भी बहुत ज़रूरी होता है।
यहाँ पे मेरा जितना भी ड्राई राशन है उसको मैं इस वाले बॉकेट में रख लूँगी, जैसे कि दाल, सारे मसाला और ओट्स वगैरह, और जितने भी यहाँ पे मैं ऑयल वगैरह, ऑयल एक ऑयल में अभी ख़त्म हो गया है, उसको चेक कर रहा हूँ, उसको मैं निकाल लूँगी, ओपन कर लूँगी और एक ऑयल में इस वाले बॉकेट में रख लूँगी। तो जो जो सामान मेरे डब्बे में ख़त्म हो गया है उसको मैं दोबारा से भर लूँगी और जो एक्स्ट्रा है उसको मैं रख लूँगी, बाद में मेरा जब सामान ख़त्म हो जाएगा तब मैं ओपन करूँगी। इस वाले बॉकेट में इतना सामान आ गया है और यहाँ पे एक छोटा सा बास्केट है उसमें भी कुछ सामान मैं रखूँगी, और इतना सारा सामान जो है वो मैं लेके अपनी जो गॉडरेज होता है वहाँ पे रखूँगी रैक में। तो यहाँ पे अगरबत्ती और टूथपेस्ट, टूथब्रश, वो सब सामान जो भी मेकअप का सामान है वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। और इतना सारा सामान मेरा ख़त्म हो गया है, उसको मैं डब्बे में भरना है, रिफिल करना है, तो मैं अभी भर लूँगी। जैसे कि सोयाबीन हो गया, और यहाँ पे चना, छोटा वाला चना, काला चना और काबुली छोले जो होता है वो ख़त्म हो गया है, बिस्किट्स और एक रिफाइंड ऑयल जो है वो मैं ख़त्म हो गया, उसको भी रिफिल करूँगी। तो ये इतना सारा सामान मैं अभी ओपन कर लूँगी। जो भी डब्बे में आप लोग अपना सामान रिफिल कर रहे हो उस डब्बे को अच्छे से सूखे कपड़े में एक बार पोंछ लेना, ताकि जो भी धूल वगैरह, मतलब जो भी डस्ट वगैरह रहता है ना सामान ख़त्म होने के बाद वो निकल जाएगा, उसको दोबारा से धोने की ज़रूरत नहीं है। बस एक कपड़ा लेके उसको अच्छे से पोंछ लेना, बाहर की तरफ भी पोंछ लेना, तो उसमें भी डस्ट वगैरह रहता है तो वो भी क्लीन हो जाएगा, तो आपका क्लीनिंग भी हो जाएगा और सामान का रिफिल भी हो जाएगा, साथ साथ दो काम हो जाएगा। तो मेरा एक हैबिट ये है। तो यहाँ पे मैं पहले डब्बे को अच्छे से पोंछ लेता हूँ अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, उसके बाद उसमें सामान जो है वो रिफिल कर रहा हूँ। और एक बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी गाइस, तो आपका जितना भी पुराना सामान जो डब्बे में रहता है बचा कुचा, उसको आप निकाल लो, उसको अलग एक डब्बे में रख लो, ताकि आप पहले उसको यूज़ करना है तो यूज़ कर लो, और उसके बाद ये नया वाला सामान जो है, जो आप डब्बे में भरे हो उसको यूज़ करो, क्योंकि पुराना जो भी हमारे पास सामान रहता है वो ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो उसको पहले यूज़ करना है, और जो भी नया सामान आ रहा है उसको बाद में यूज़ करना है, यही मैं करती हूँ। और यहाँ पे बिस्किट्स भी मेरा ख़त्म हो गया था, वो उसको मैं भर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ट्रिक देखिए, जो भी सामान हमारा कम, मतलब ज़्यादा हो जाता है डब्बे में, उसको हम ऐसे पीट पीट के उसको दबा दबा के रखते हैं ताकि उसमें ज़्यादा सामान भर जाए डब्बे में। और यहाँ पे कुछ स्नैक्स का आइटम जो है, बिस्किट वगैरह, तो वो लेके आए थे, यहाँ पे मैं वो भी भर के रख रहा हूँ। तो ये वाला जो कंटेनर आप देख रहे हो, ये पीडियाश्योर का कंटेनर है, तो रोहित पीडियाश्योर खाता है उसका डब्बा, में उसको मैं यहाँ पे रीयूज़ कर रहा हूँ। तो हम लोग हाउसवाइफ भी ऐसे ही करते हैं, कोई नया डब्बा ख़रीद के लाने से ज़्यादा अच्छा होता है। जो भी डब्बे वगैरह हम लोगों के पास आता है, जैसे कि हनी हो गया और जो भी खाने का सामान आता है, उस डब्बे को हम फेंकने के वजह से उसको यूज कर सकते हैं सामान रखने के लिए। तो ये भी एक अच्छा आदत होता है हम लोगों के पास हाउसवाइफ का, तो हम ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्नैक्स जो भी वो भी रिफ़िल कर रहा हूँ, और यहाँ पे ऑयल जो है, सनड्रफ रिफाइंड ऑयल है। ऑयल जब भी आप रिफ़िल करो, एक इसको फुलरी बोलते हैं हम लोग, तो ये हमें ऑयल रिफ़िल करने के लिए हेल्प करता है। तो इसको डाल के मुँह में आप रिफ़िल करो, ताकि ऑयल जो है नीचे ना गिरे, तो ये अच्छा होता है, हेल्प रहता है। तो इसी के साथ आज का मेरा जो भी ग्रोसरी शॉपिंग प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग का ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और चलिए गाइज, ये वाला जो रैपर है उसको मैं डस्टबिन में फेंक रहा हूँ, और आज का ब्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड। तो चलिए नेक्स्ट वाले ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तो चलिए फिर बाय बाय। और यहाँ पे कुछ सामान मेरा इस वाले कंटेनर में आप लोगों को मैं दिखाई नहीं थी, अभी दिखा देती हूँ।